दोस्तों आज हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट 18 प्लस अडल्ट मूवीज़ को, जिनके अंदर आपको हिंसा, बोल्ड सीन्स और काफ़ी खून खराबा देखने को मिलेगा। और इन मूवीज़ के IMDb रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे पता चलता है कि ये फिल्में दर्शकों को कितनी पसंद आई है। और अगर आप अपना टाइम अच्छी मूवीज़ को ढूंढने में वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पूरी तरीके से चौंकाने के साथ कमाल का एक्सपीरियंस भी देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको आपकी फैंटेसी से मिलती जुलती मूवी मिल जाए। नंबर 10 पर है इमोर्टल, जो कि आई थी 2011 में, एक फैंटेसी एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी एक जादुई धनुष की, जो कि सदियों पहले ईश्वर और टाइटंस के युद्ध के दौरान धरती में कहीं खो जाती है, जिसको एक क्रूर राजा ढूंढ रहा होता है, जिससे कि वो बुरी शक्तियों को जगाकर दुनिया में तबाही मचा सके। लेकिन वो धनुष थीसस नाम के एक लड़के के हाथ लग जाती है, जो किसी भी तरह से उस राजा को मारना चाहता है। उसके पीछे कोई वजह है, लेकिन वो राजा चालाकी से उस धनुष को उससे छीन लेता है, जिसके बाद थीसस किस तरीके से उस राजा को हराएगा आप देखिए इस मूवी में। इस मूवी के अंदर दिखाए गए स्लोमो फाइट सीन्स काफी जबरदस्त है। इस मूवी को IMDb पे 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। नंबर 9 पर है टीयर्स ऑफ द सन, जो कि आई थी 2003 में, ये एक वॉर एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है नाइजीरिया में चल रहे एक कत्लेआम की, जहाँ की सत्ता रातों रात पलट दी गई है। ऐसे में अमेरिकन आर्मी एक टुकड़ी को डॉक्टर लीना के रेस्क्यू मिशन में भेजती है, जो कि एक अमेरिकन नागरिक होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब डॉक्टर लीना उनके पेशेंट्स को भी साथ लेकर जाने की जिद करने लगती है। तब अमेरिकन आर्मी ऐसे हालत में कैसे इस मिशन को पूरा करेगी आप देखिए इस मूवी में। मूवी कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके लिए इसको IMDb पे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो। नंबर 8 पर है जेराल्ड्स गेम, जो कि आई थी 2017 में, एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी है एक शादीशुदा कपल की, जिनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। लेकिन अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए वो लोग छुट्टियों में एक सुनसान कॉटेज में जाते हैं, जहां पर जेसी का पति अपने सेक्सुअल फैंटेसी को पूरा करने के लिए उसके दोनों हाथ बेड से बांध देता है, जिसके बाद वो उसे कुछ ऐसी हरकतें करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से जेसी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जेसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता, और फिर शुरू हो जाता है माइंड गेम, जिंदगी और मौत के बीच। मूवी कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है और कुछ सीन्स देखते वक्त आपको बेचैनी भी हो सकती है। इस मूवी को IMDb पे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो। नंबर 7 पर है बैटल ऑफ सेक्सेस, जो कि आई थी 2017 में, एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है। मूवी की कहानी बेस्ड है 1973 में खेले गए अनोखे और जबरदस्त टेनिस मैच के ऊपर, जब एक फीमेल टेनिस प्लेयर को वर्ल्ड बेस्ट मेल टेनिस प्लेयर के साथ खेलना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त महिलाओं के टेनिस गेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ऐसे में कैसे एक लड़की दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर को टक्कर देती है आप देखिए इस मूवी में। ये एक ट्रू स्टोरी है, जिसको IMDb पे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। नंबर 6 पर द हिट्समैन बॉडीगार्ड, जो कि आई थी 2017 में, एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। मूवी में कहानी है एक ट्रिपल ए रैंक्ड बॉडीगार्ड की, जो कि एक मिशन में बुरी तरीके से फेल होने के बाद अपना ओहदा खो देता है। लेकिन एक दिन उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन हिटमैन की सुरक्षा करने का काम मिलता है। लेकिन उसे जब पता चलता है कि वो हिटमैन उसका पुराना दुश्मन है, जिसने उसे कई बार बर्बाद करने की कोशिश की है, तब वो उसे खुद मारना चाहता है। लेकिन उस हिटमैन के पास कुछ ऐसी जानकारी होती है जिससे उसका ओहदा उसे वापस मिल सकता है। तो वो जानकारी क्या है आप देखिए इस मूवी में। ये मूवी काफी ज्यादा फनी है, जिसके फाइट सीक्वेंस भी काफी जबरदस्त है। इस मूवी को IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है बैड टाइम्स एट द एल रॉयल, जो कि आई थी 2018 में, एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी है 7 अजनबी लोगों की, जो कि 1969 में एक ही होटल में मिलते हैं। सभी के अपने अपने बुरे अतीत हैं, जो कि धीरे धीरे रिवील होने लगते हैं, और उस होटल में आने के पीछे भी सभी का कोई कारण है, जिसके बाद उन सभी के बीच क्या क्या होता है आप देखिए इस मूवी में, और उनके डार्क सीक्रेट के बारे में भी आपको मूवी में ही पता चले तो ज्यादा अच्छा है। इस मूवी का सिनेमा फोटोग्राफी जबरदस्त है, जिसमें एक ही सिचुएशन को सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया जाता है। इस मूवी को IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। नंबर 4 पर है द फेवरेट, जो कि आई थी 2018 में, एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी है 3 औरतों की, इंग्लैंड की महारानी, उनकी सलाहकार और उनकी नौकरानी। महारानी जो अपने राजपाट से उब चुकी है, और उनके सलाहकार जो सत्ता के नशे में चूर है, और उनकी नौकरानी जो पावर में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो राजमहल में इन तीनों के बीच क्या क्या और किस हद तक होता है आपको इस मूवी के अंदर ही देखना चाहिए। इस मूवी को बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया था। इस मूवी को IMDb पे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। नंबर 3 पर है एनिमे एट द गेट, जो कि आई थी 2001 में, एक वॉर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी है एक रशियन स्नाइपर की, जो कि एक बैटल के दौरान अपने अचूक निशाने से नाजी सोल्जर्स को एक एक कर ढेर कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मशहूर हो जाता है, और आगे चलकर वो अपनी स्नाइपिंग से कई
सोल्जर्स की जान भी बचाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब उसे मारने के लिए जर्मन आर्मी भी एक अचूक और अनुभवी स्नाइपर को रखती है। आगे उन दोनों के बीच क्या क्या होता है आप देखिए इस मूवी में। मूवी के वॉर सीन्स और एक जबरदस्त बोल्ड सीन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। इस मूवी को IMDb पे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो या फिर आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर दो पर है चिल्ड्रन ऑफ मैन, जो कि आई थी 2006 में। एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी है ईयर 2027 की, यानी हमारे फ्यूचर की, जब पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही होती है। सभी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोग अपने देश छोड़कर सुरक्षित देशों में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इंसानों ने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, जिसकी वजह से सभी इंसान कुछ ही सालों में पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। इंसानों ने ऐसा क्या किया है आप देखिए इस मूवी में। मूवी बहुत अच्छा मैसेज देती है, जिसके लिए इसको IMDb पे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर एक पर है द स्टोनिंग ऑफ सोराया एम, जो की आई थी 2008 में। एक ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी एक ईरानियन औरत की और ईरान के भयानक कानून की, जिसके तहत औरत को आधा जमीन में गाड़कर मरने तक पत्थरों से मारा जाता है। उस औरत के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसे ये दर्दनाक और असहनीय सजा दी जाती है, आपको इस मूवी के अंदर ही देखना चाहिए। और जिस बुक से ये कहानी ली गई है, उस बुक को ईरान में बैन भी किया गया है। ये मूवी समाज के बेरहम लोगों और बेतुके कानून को सामने रखती है। एक पॉइंट पे ये मूवी हद से ज्यादा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो लोग इस मूवी को ना देखें जो कि थोड़ा मेडिकली वीक है। इस मूवी को IMDb पे 8.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे यूट्यूब देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताना आपको और किस तरीके की मूवीज चाहिए। इसी तरह की और भी 18 प्लस मूवीज की लिस्ट आपको ऊपर आई बटन से भी मिल जाएगी। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।